दोस्तों, आज मैं एक जॉम्बी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी का नाम है द रिटर्न। मूवी की शुरुआत हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसके माता पिता को एक जॉम्बी ने काट लिया है और वो भी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। तभी उसकी माँ उस लड़की को घर छोड़कर भागने के लिए कहती, तभी ये लड़की उस जॉम्बी को बंदूक से शूट करती और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम केट नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी एक बच्चे का इमरजेंसी केस आता है, उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि उनका बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा ये बच्चा किस चीज से इन्फेक्टेड है। इसके बाद केट डॉक्टरों के साथ मिलकर के इस बच्चे का इलाज करने लगती है और कुछ ही देर में इलाज करने के बाद वापस आती है और इस बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्हें ध्यान देना होगा और उसे टाइम टाइम से कैप्सूल देना होगा जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। असल में शहर में एक जॉम्बी वायरस फैल चुका होता है, इसीलिए इस बच्चे को भी उसी जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन इस बच्चे का टाइम से इलाज हो गया इसलिए इस पर वायरस ज्यादा असर नहीं कर पाए। लेकिन जिस दवाई को डॉक्टर्स ने अब तक बना लिया है उससे सिर्फ परमानेंट इलाज नहीं किया जा सकता, वो कुछ ही टाइम तक काम करती है क्योंकि हर 24 आवर्स में इस दवाई को लेना होता है। अगर इस दवाई को ना लिया जाए 24 घंटे के अंदर तो इन्फेक्टेड आदमी फिर से जॉम्बी बन जाते हैं और ऐसे आदमियों को रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद केट हॉस्पिटल से जाने से पहले एक लड़की से मिलती है जिसका नाम ईव होता है। ईव को केट कुछ पैसे देती है जिसके बदले में ईव उसे दवाई देती है जो कि जॉम्बी वायरस से लड़ने के लिए होती है। इसके बाद जब केट घर जा रही होती है तब वो गाड़ी के FM रेडियो पे सुनती है कि रिटर्न और आम आदमियों के बीच में लड़ाई हो रही है और शहर में काफी ज्यादा दंगे हो रहे होते हैं। असल में रिटर्न लोगों को मारने के लिए कुछ एंटी रिटर्न ग्रुप चल रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते ये रिटर्न लोग उनके साथ रहें, क्योंकि शहर में दवाइयां खत्म हो रही होती हैं और ये रिटर्न लोगों को दवाई नहीं मिलेगी तो ये फिर से जॉम्बी बन जाएंगे जिससे कि उन्हें नुकसान हो सकता है। इसके बाद जब केट घर पहुंचती है तो हम वहां पर केट के हस्बैंड एलेक्स को देखते हैं। तब एलेक्स को जाकर केट बताती है कि अब उनके पास बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता चलता है कि केट आखिर इन दवाइयों को क्यों इकट्ठा कर रही है। तभी एलेक्स का फ्रेंड जेकब अपनी वाइफ के साथ एलेक्स के घर पर आ जाता है जिसे एलेक्स ने ही बुलाया होता है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है। जब ये लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं तब एलेक्स बताता है कि वो भी एक रिटर्न है। एलेक्स बताता है कुछ सामान लेने के लिए वो एक शॉप पर गया था, वहाँ पर उसे एक आदमी मिला जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। उसने उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन उस आदमी ने उसे काट लिया, लेकिन एलेक्स कहता है उसने कुछ घंटे बाद ही अपना इलाज करवा लिया, लेकिन अब वो एक रिटर्न बन चुका है। इस पर एलेक्स का फ्रेंड कहता है कि तुम रिटर्न हो तो क्या हुआ, तुम भी हमारे ही जैसे हो और तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगे, मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगा। तभी इन्हें न्यूज चैनल के जरिए पता चलता है कि जिस एंटीबायोटिक से अब तक इलाज हो रहा था उसका स्टॉक भी अब खत्म हो गया है, शहर में अब उसका एक भी स्टॉक नहीं है और बहुत ही ज्यादा कम दवाई शहर में बची हुई है। अगले दिन केट एक हॉस्पिटल में एक मीटिंग अटेंड करती है जहाँ पर वो बताती है कि एक वायरस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दवाई बन रही है, लेकिन अगर ये दवाई पूरी तरह से कारगर हुई तो हम इन रिटर्न को फिर से इंसान बना सकते हैं, लेकिन अभी इस दवाई के टेस्ट के नतीजे अभी नहीं आए हैं। तभी मीटिंग में से एक आदमी खड़ा होता है और वो केट से कहता है क्यों ना हम इन रिटर्न लोगों के लिए एक अलग सा शहर बना दे क्योंकि इनसे हमें खतरा हो सकता है। इस पर केट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, उस आदमी से कहती है इस तरह से हमें कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ रहे लोगों को भी अलग रखना चाहिए। ऐसा कहकर केट उस आदमी का मुंह बंद कर देती है। असल में केट इन रिटर्न लोगों को इन्फेक्टेड नहीं मानती है, वो इन्हें आम लोगों की तरह ही ट्रीट करती है। जब केट रात में अपनी शिफ्ट कर रही होती है तभी कुछ गुंडे आते हैं और उनके कलीग्स पर और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और ये गुंडे एंटी रिटर्न के ग्रुप के लोग होते हैं और ये वहाँ पर मौजूद सभी बीमार लोगों को अपनी बंदूक से शूट करके मार देते हैं। असल में ये सब जो इस हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं ये रिटर्न होते हैं जिनका इस हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा होता है। इन सब लोगों को मरा देख करके केट बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कहीं वो अपने पति को भी ना खो दे। इसके बाद केट अपने सीनियर डॉक्टर से बात करती है और कुछ दिन के लिए लीव ले लेती है क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि एलेक्स को भी ये लोग मार सकते हैं। घर जाते वक्त केट देखती है कि उनके हॉस्पिटल के बाद बहुत सारे लोग दवाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। इसके बाद केट घर पर आ जाती है और ये
सारी बात वो एलेक्स को बता देती है। एलेक्स से कहती है कि अब तुम घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। इसके बाद केट ईव से कॉल करती है और उससे दवाई के बारे में पूछती है कि क्या उसके पास और अभी एंटीबायोटिक हैं। ईव कहती है अभी उसके पास थोड़ी एंटीबायोटिक हैं, जिन्हें लेने के लिए केट चली जाती है। जब केट ईव के घर पहुंचती है तो ईव उसे एक एंटीबायोटिक देती है क्योंकि अब उसके पास इकलौती ही एंटीबायोटिक बची होती है। इसके बाद केट ईव से कहती है तुम मेरे लिए किसी तरह से इन बायोटेक का इंतजाम करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। ईव केट से कहती है कि वो किसी तरह से इंतजाम करने की कोशिश जरूर करेगी। इसके बाद केट वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। जब केट अपने घर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर एलेक्स ने एक आदमी को बंदूक से मार दिया होता है। तब एलेक्स बताता है ये एक एंटी रिटर्न लोगों में से था जो उसे मारने के लिए यहाँ आया था। उसे उसकी खबर हो गई थी कि एलेक्स भी एक रिटर्न है। इसके बाद केट और एलेक्स मिलकर के इस आदमी की लाश को एक बैग में बंद कर लेते हैं और इसे एक जगह पर ले जाते हैं और तालाब में जाकर के फेंक देते हैं। इसके बाद केट और एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि लोगों को इनके घर का पता चल गया होता है, साथ ही साथ एलेक्स के रिटर्न होने का भी पता चल गया होता है। इसके बाद एलेक्स का फ्रेंड जेकब उसे अपने घर चलने के लिए कहता है क्योंकि उनका घर शहर से बहुत दूर है, वहाँ पर ये लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद केट और एलेक्स जेकब के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। दिन जेकब के घर रहने के बाद एलेक्स को अखबार से खबर मिलती है कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर घर घर जाकर के रिटर्न लोगों की लिस्ट को तैयार कर रहे होते हैं कि शहर में कितने रिटर्न लोग हैं। इससे एलेक्स समझ जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और वो नहीं चाहता कि जेकब उसका फ्रेंड इस मुसीबत में पड़े, इसलिए एलेक्स जेकब के घर को छोड़कर जाने का फैसला करता है। केट भी एलेक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ये दोनों घर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो केट से एलेक्स के बारे में पूछते हैं लेकिन तभी एलेक्स चुपके से एक ड्रॉर में जाकर के छुप जाता है। केट बताती है कि एलेक्स उसे छोड़कर के चला गया है लेकिन ये लोग केट की बात पर यकीन नहीं करते हैं और घर को चेक करने लगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर एलेक्स की ड्रॉर के पास बढ़ने लगता है। तभी केट रोने लगती है और एलेक्स को बचाने के लिए वो झूठ बोलती है। केट बताती है कि उसने एलेक्स को गन से शूट करके मार दिया क्योंकि उसकी दवाइयां खत्म हो गई थी और एलेक्स एक ज़ॉम्बी बन गया था। अब ऑफिसर उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं लेकिन वो केट से कहते हैं कि वो एलेक्स की लाश को देखना चाहते हैं। इसके बाद केट उन्हें उसी तालाब के पास लेकर जाती है जहां उसने उस लाश को छिपाया था। तो ऑफिसर उस लाश को निकाल लेते हैं लेकिन वो पहचान नहीं कर पाते क्योंकि वो लाश बहुत बुरी तरह से गल गई होती है। अब ऑफिसर केट की बात को यकीन कर लेते हैं और अपनी लिस्ट में एलेक्स को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर चले जाते हैं और केट फिर से जेकब के घर पहुंच जाती है। इसके बाद केट को ईव का कॉल आता है। वो बताती है कि उसने कुछ दवाइयों का इंतजाम कर लिया है और वो केट से कहती है कि वो सुबह दवाइयां लेने के लिए आ जाए। लेकिन दवाइयों की बात एलेक्स के फ्रेंड जेकब को भी पता चल जाती है। अगली सुबह जब केट दवाई लेने के लिए जल्दी से सुबह उठ जाती है तो वो देखती है कि वहां पर जेकब पहले से ही मौजूद है। वो जेकब से पूछती है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तब जेकब बताता है कि उसकी वाइफ अपनी मदर के घर गई थी, उसे छोड़ने के लिए वो जल्दी उठ गए। इसके बाद किट जेकब से कहती है कि एलेक्स अभी भी सो रहा है, तुम उसे मत उठाना क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती जिससे कि वो खतरे में पड़ जाए। इसके बाद किट ईव के घर पहुंचती है तो वो देखती है वहां पर ईव को किसी ने बुरी तरह से मार दिया होता है और साथ ही साथ उसकी दवाइयों को भी चुरा लिया होता है। तभी केट को वहां पर एक रिंग मिलती है जो कि जेकब की वाइफ की रिंग होती है। अब किट समझ जाती है कि उसने ही उसकी दवाइयां चोरी की हैं, इसीलिए जेकब इतनी जल्दी से सुबह उठ गया था। किट तुरंत ही एलेक्स को कॉल करती है और पूछती है कि क्या जेकब वहां पर है। तो एलेक्स बताता है कि वो घर पर नहीं है। साथ ही साथ किट पूछती है जो हमारी स्टॉक में दवाइयां थी उन्हें तुम चेक करो। जब एलेक्स ये चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर एक भी एंटीबायोटिक नहीं होती है क्योंकि जेकब और उसकी वाइफ ने सारी की सारी एंटीबायोटिक चुरा ली होती और वो घर से फरार हो चुके होते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने फ्रेंड जेकब को कॉल करता है लेकिन जेकब उससे कहता है कि उसकी वाइफ भी एक रिटर्न्ड है, उसने अपनी वाइफ के लिए दवाइयों को चोरी की। एलेक्स जेकब से कहता है तुम मुझे कुछ दवाइयां दे दो, बाकी की तुम सब अपने पास रख लो क्योंकि मुझे
जरूरत है क्योंकि 24 आवर्स के बाद मेरी दवाई का असर भी खत्म हो जाएगा और मैं फिर से जॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन जेकब दवाइयाँ देने के लिए एलेक्स को साफ मना कर देता है। अब एलेक्स समझ जाता है कि अब वो जॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद एलेक्स स्टोर में जाता है और वहाँ से लोहे की जंजीर और ताले को खरीदने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए जब वो जाता है तो वो देखता है कि एक जॉम्बी एक आदमी की लाश को बहुत बुरी तरह से खा रहा होता है और वो जॉम्बी तभी एलेक्स पर भी हमला कर देता है। लेकिन एलेक्स उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वहाँ से सामान लेकर के अपने घर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स अपने आप को जंजीरों से बांध कर लॉक कर देता है जिससे कि वो जब जॉम्बी बन जाए तो वो किसी पर हमला ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से केट और बाकी लोगों को नुकसान हो, क्योंकि जॉम्बी बनने के बाद उसका अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तभी केट भी आ जाती है और वो एलेक्स के पास जाकर के बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि एलेक्स अब जॉम्बी ही बनेगा क्योंकि अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। इसके बाद एलेक्स के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन एलेक्स जॉम्बी बनने से पहले केट को गन देता है और उससे कहता है कि जब वो जॉम्बी बन जाए तो वो उसे मार दे। केट ऐसा ही करती है। जैसे ही एलेक्स जॉम्बी बनता है वो उसे गन से शूट करके मार देती है, जिससे अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती है और उस घर को छोड़ने का फैसला करती है और घर से निकलने लगती है। तभी उसका सीनियर डॉक्टर आता है और वो उसे एक खुशखबरी देता है। वो बताता है कि जिस दवाई पर वो काम कर रहे थे वो काम कर रही है, क्योंकि उस दवाई से सभी लोगों को बचाया जा सकता है, जो भी रिटर्न लोग हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर के केट को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसने एलेक्स को इतनी जल्दी मार दिया। अगर उसने एलेक्स को नहीं मारा होता तो वो एलेक्स को बचा सकती थी। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि केट ने एक नया घर ले लिया और वो वहाँ पर अकेले ही रह रही होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है, यानी कि वो एलेक्स के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, जिससे कि वो खुश होती है। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।